प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले अपना प्यारा सा साथ देते हुए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करके हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य प्रदान करें। तो आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड सुरंग में बीते 16 दिनों से 41 मजदूर फंसे थे, जब बीते मंगलवार की रात सकुशल सभी मजदूरों को निकाला गया। उन मजदूरों में गिरिडीह के बिरनी प्रखंड अंतर्गत केसोड़ी एवं सिमरा ढाव के दो लोग विश्वजीत एवं सुबोध शामिल थे। सभी के निकलने के बाद परिजनों में काफी खुशी थी और जमकर आतिशबाजी भी की गई। वहीं कई लोगों ने दोनों के परिजनों विश्वजीत की पत्नी चमेली देवी एवं सुबोध के माता पिता चंद्रिका देवी एवं पिता बुद्धन मातो को मिठाई भी खिलाई। वहीं दोनों के परिजनों ने बुधवार से 3 दिवसीय दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन भी कर रहे हैं, जो शुक्रवार को हवन के साथ विश्राम किया जाएगा तथा अन्य देव स्थलों में सुबोध एवं विश्वजीत के आने के बाद अनुष्ठान किए जाएंगे। मैं ऋषि कुमार। मेरे पिताजी उत्तराखंड में टनल में फंसे हुए थे, जो कि उत्तरकाशी में टनल हादसा हुआ था, और जो कि आज रेस्क्यू सफल हुआ है। पूरी देश की सरकार और पूरे इंडियन गवर्नमेंट, अदर कंट्री के रेस्क्यू करने वाले इंजीनियर सब लोग लगे हुए थे, जो कि बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र रहा। सब लोग बहुत ही दिक्कत और मुश्किल से काम करके आखिरकार सब लोग को सफलता मिली गई। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितना चुनौती आया लेकिन फिर भी सब लोग डटे रहे और आखिरकार अंततः सब लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। इसके लिए मैं झारखंड सरकार, भारत सरकार, सभी को, उत्तराखंड की सरकार को, सभी को और सारे इंजीनियर्स को, सारे एक्सपर्ट्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि सभी को रेस्क्यू करके 41 जिंदगी को बचाए। मेरा नाम श्रुति कुमारी है। मेरे पापा ट्रेन में फंसे हुए थे और अन्य मजदूर भी वहाँ पर फंसे हुए थे, और भारत सरकार ने उन मजदूरों को निकालने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया और बहुत सारी परेशानियाँ आई। इसके बाद फिर रेस्क्यू पूरा हुआ। मैं भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ऐसा महसूस हुआ कि वो लोग सरकार पर इतना हम लोग 41 जिंदगी बचाने के लिए इतना प्रयत्न किए, उन लोग को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और इन लोग को सुरक्षित बाहर निकाले और सुरक्षित घर तक पहुँचाए। हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, और देश के सभी लोग, सभी का दुआ लगा, भगवान देवता देवी जितना है सबका दुआ लगा। हम सबसे विनती प्रार्थना करते हैं कि माँ, इस घड़ी में जो सबको नया जिंदगी दिए, इसके लिए हम आपके लिए आभारी हमेशा रहेंगे। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।